हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और शाम हो रही है और शर्मा जी अभी बाहर से आए हैं। और बाहर वो कहाँ गए थे? मार्केट वार्केट नहीं गए थे। मैंने पीछे पीछे किसी व्लॉग में शायद जिक्र भी किया होगा, शर्मा जी के एक फ्रेंड हैं, वो उनके टीममेट थे, मतलब जिस ऑफिस में शर्मा जी काम करते थे वहाँ पे वो भैया भी काम करते थे। और शर्मा जी जिस टीम के मतलब ही वॉज TL, तो उस टीम का वो पार्ट थे, तो इस तरह से वो लोग फ्रेंड्स बन गए। सच अ नाइस गाय। तो भैया के जो मॉम थे उनका तबीयत ठीक नहीं था, तो उनको टेस्ट करवाया गया, तो वो कोविड पॉजिटिव थे। तो उन सब लोगों ने भी एज़ प्रिकॉशन अपना अपना टेस्ट कराया, तो मोस्ट ऑफ देम वर कोविड पॉजिटिव। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि आंटी को तो हॉस्पिटलाइज कर दिया, अंकल को क्वारंटीन कर दिया, भैया के डैडी को। और समहाउ बिकॉज ये अपने आप में बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात होती है, जब हम कोई बात बताते हैं ना, हम कोई बात सुनते हैं, तो वो उतनी बड़ी बात होगी वो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बट जब कोई उस चीज़ से गो थ्रू हो रहा होता है ना, उस चीज़ को जब झेलते हैं, तब पता चलता है कि वो कितनी मुश्किल कितना मुश्किल हालात होते हैं। भैया का एक्सीडेंट हो गया और उनका जो बॉडी था इट वेंट पैरालाइज्ड। और उसके बाद ऑलमोस्ट 90 डेज हो गए उनको अभी तक ट्रीटमेंट लेते हुए। खर्चा तो मैं आपको बताऊंगी तो आपके तो होश ही उड़ जाएंगे, इतना तो खर्चा हो चुका है। और अभी 10 दिन पहले से उन्होंने बोलना शुरू किया है, उसके पहले वो बोल भी नहीं पा रहे थे। सच डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो शर्मा जी ने सोचा कि जाना चाहिए, बहुत वक्त से कॉन्टम्प्लेट कर रहे थे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बट देन फिर वही होता है ना, आजकल ये जो पैंडमिक सिचुएशन है इसमें आप इस तरह एकदम से किसी के घर जा भी नहीं सकते। तो फिर उन्होंने आज उनको फ़ोन किया, बात किया, क्योंकि अभी वो बात कर सकते हैं ना, तो बात किया उनसे, बोला कि मैं आपको मिलने आना चाहता हूँ। ही वॉज़ लाइक वेरी हैप्पी। तो शर्मा जी वहाँ गए, अभी वहाँ से लौट कर आए हैं और शर्मा जी बिल्कुल ही अलग ही जोन में हैं। कभी कभी क्या होता है, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन होता है कि ज़िंदगी में हम जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं यूजुअली वो उतना मैटर नहीं करती हैं। जो चीज़ें मैटर करती हैं हम उनको कभी कभी ओवरलुक कर देते हैं कि हाँ सारी ज़िंदगी हम लोगों ने जो संवारा वो एक्चुअली उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। बट लोग जो ईजिली ओवरलुक कर देते हैं, लोग जो ईजिली ओवरहर्ड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कुछ प्रेशियस चीज़ें, आपको भी पता है मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, वो चीज़ें संवारने में आजकल लोग उतना ध्यान नहीं देते। तो चलिए अभी मैं बनाऊंगी चाय। शर्मा जी आए, वो फ्रेशन अप हुए हैं और फिर उनको मन हो रहा है चाय पीने का। मैंने भी उनकी वजह से चाय नहीं पिया था कि वो आएंगे तो हम इकट्ठे चाय पियेंगे, तो मैं अभी चाय बना लेती हूँ। उसके बाद मुझे ना बेडशीट्स लगानी है, वॉशिंग पे बेडशीट बदलना है। और बस मैं शर्मा जी और मेरे लिए चाय बनाने लगी हूँ। आजकल तो चाय पीने में बहुत ही मज़ा आता है, शाम में हल्की हल्की ठंडी फील होती है, हल्की नहीं अब तो थोड़ी ज़्यादा ही ठंड लगने लगी है। और ये देखिए चाय सर्व हो रही है कॉफ़ी के मग में। ये दोनों ही मग मुझे, जब हम ग्रोसरी ख़रीदते हैं ना तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपका जब बिल चला जाता है तो उस पर समटाइम्स फ्रीबीज मिलते हैं ना, तो ऐसे मिले थे ये दोनों के दोनों, मैंने खुद नहीं ख़रीदे थे। और चाय हो चुकी है तैयार और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे करनी है बेडशीट्स चेंज। दोनों ही रूम की बेडशीट चेंज करूँगी, धुलने पे लगा दूँगी मैं उनको। जब तक मेरा बाकी का काम ख़त्म होगा बेडशीट्स अपने आप धुल चुकी होंगी। तो ये है हमारा बेडरूम और इस वाले बेडरूम में ना मैं जब भी बेडशीट ख़रीदती हूँ तो मुझे इस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि मेरा जो बेड है वो बहुत ही ज़्यादा हाइटेड है, तो बहुत सारी बेडशीट इस डायमेंशन में फ़िट नहीं होती। लेकिन ये वाला जो बेडशीट आप देख रहे हो ना ये बहुत ही अच्छे से फ़िट हो गया, और ऐसे बेडशीट जो फिट हो जाते मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और इसका जो पिलो कवर है ना आप देखिए, इसमें ज़िप दिया हुआ है, यूजुअली ज़िप नहीं होता है वो फ्लैप जैसा होता है, खुला ही रहता है वो, तो इसमें ज़िप दिया हुआ है, ये भी अच्छा लगा मुझे। ऑल्सो मेरे जो ये पिलोज़ हैं ना ये भी नॉर्मल साइज़ के अगर पिलो कवर है उसमें फ़िट नहीं होता, बट इसमें ये भी फ़िट हो गए। तो जब भी मैं कोई नया बेडशीट यूज़ करती हूँ मैं ये दो चार चीज़ों पर बहुत ध्यान देती हूँ, अच्छी तरह फ़िट हो जाए, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे। वैसे ये प्रिंट भी अच्छा लग रहा है, ऑल्सो ये कॉटन की है बेडशीट तो बहुत ही सॉफ्ट टच भी है। इस तरह के प्रिंट मैंने पहली बार ख़रीदा है और रेड शर्मा जी बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं खरीदते, बट थोड़े बहुत कलर्स होने चाहिए। देखिए बिछाकर तो बहुत ही सुंदर लग रही है बेडशीट। ये हो गया हमारा रूम का नया लुक, अच्छी लगी मुझे ये। मैं थोड़ा सा डाइसी थी, पता नहीं कैसी लगेगी, बट बिछाने के बाद बहुत अच्छा लुक निकल कर आया है इसका।
और इसके बाद रह जाता है बच्चों का रूम। इसकी बेडशीट भी मैं अभी चेंज कर दूंगी। मेरा जो वॉशिंग मशीन है ना, उसमें एक बार में दो बेडशीट अच्छे से धुल जाते हैं, तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि दोनों बेडशीट एक ही दिन पे चेंज कर दूं, जिससे दोनों साथ साथ धुल जाएंगी। और ये जो रूम है, इसके लिए ये वाला बेडशीट मैंने मंगाया है। बच्चों के रूम में इस तरह के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बच्चे स्पॉट्स बहुत डालते हैं ना बेडशीट्स के ऊपर। और ये ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में है बेडशीट, बिल्कुल सेम है दोनों की दोनों, सिर्फ कलर एंड प्रिंट का फ़र्क है। ये भी कॉटन की बनी हुई है और बहुत अच्छे से फिट हो जाती है बड़े साइज़ के मैट्रेस पे भी। और इसके भी जो पिलो कवर्स हैं, उसमें भी जिप दिया हुआ है। शानो खुशी के रूम में जो मैं पिलोज़ इस्तेमाल करती हूँ, वो रेगुलर पिलोज़ हैं। हमारे रूम में जो पिलोज़ हैं, वो ऑर्थोपीडिक है, तो ये वाले तो थोड़े छोटे हैं, तो आराम से चले जाते हैं पिलो कवर में। बट जो ऑर्थोपीडिक वाले पिलोज़ हैं ना, उनके लिए नॉर्मल कवर्स काम नहीं करते। अच्छे खासे डायमेंशन के पिलो कवर्स होते हैं, वो उसी में जाते हैं। तो ये हो गया सानवी खुशी का रूम भी तैयार। और ये भी बिछने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। इस तरह के प्रिंट मैं कभी नहीं खरीदती, पहली बार ट्राई दिया है। एंड आई वॉज लाइक थोड़ा सा डाइसी, पता नहीं कैसी लगेंगी। यूजुअली मैं बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनल और ज्योमेट्रिक पैटर्न वाले बेडशीट्स लेती हूँ, बट ये बहुत अच्छी लग रही है बिछाने के बाद। और ये तो हो गया सानवी खुशी का बेड भी तैयार। और सानवी खुशी के लिए ही मैंने है ना एक कंफर्टर भी ऑर्डर किया है। उन दोनों के लिए एक ब्लैंकेट छोटा पड़ता है। वैसे भी जो ब्लैंकेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़े बड़े तो हैं, बट दो बच्चे एक ब्लैंकेट में सोए तो वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और अभी थोड़ी ठंड भी ज़्यादा हो गई है, तो आई वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग टू बाय अ कम्फर्टर फॉर देम। एक कम्फर्टर मैंने उन लोगों के लिए मंगाया है। ये क्विल्टेड रिवर्सिबल कम्फर्टर है, आप इसे दोनों साइड से इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक तरफ से ब्लू है और एक तरफ से रेड है, तो दोनों ही तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है। कलर भी बहुत सोना लग रहा है। ऑल्सो इसके ऊपर आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा ना डिज़ाइन भी दिया हुआ है, ये डिज़ाइन भी बड़ा प्यारा लग रहा है। और इसके अंदर जो फिलिंग है वो माइक्रो फाइबर की है, और ये बहुत ही कोजी लगा मुझे, वेरी सॉफ्ट टू टच, और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आया। लग रहा है बच्चों का बेड, अभी पूरा क्रिसमस थीम लग रहा है। और बेड बनते हैं, यहाँ शानू बेड बिछ गई है। शानू क्या कर रहे हो? ड्रा कर रही हूँ। ड्रा कर रही हो शोमी? हाँ जी। ये लुक्स लाइक सानवी खुशी है, झगड़ा करती हुई। हाँ, आई थिंक मैंने उसका कुछ ले लिया, मेरे को नहीं पता, और वो मेरे से लड़ रही है क्योंकि वापस ले दिया। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। ओके ओके गाइस, आप में से ना किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि सानवी खुशी के लिए ना जो स्टडी टेबल होता है वो ले लो, बिकॉज़ ये फिर पोस्चर पे इम्पैक्ट करता है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सा बड़ा सा कमेंट लिखा था कि आप ये टेबल ले लीजिए, अदरवाइज़ फिर लॉन्ग रन में बच्चों के पोस्चर पे इसका असर होता है। तो आपकी बात को मानकर मैंने ये एक स्टडी टेबल मंगाया है। बाय द वे, जो बैग है ना, ये सानवी की बुआ लगती हैं, वो शी स्टेज इन दुबई, उन्होंने भेजे थे इस ये बैग और भी बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। शानू कैन यू गिव मी अ मोमेंट प्लीज? हाँ जी। या सो ये टेबल आप देख रहे हो, ये एडजस्टेबल टेबल है और ये स्टडी टेबल है। ऑल्सो इसकी जो हाइट है ना, ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो फोल्डेबल टेबल है ना, ये लकड़ी का बना हुआ है, और इसकी जो हाइट है ये आप एडजस्ट कर सकते हो। फोर वेरिएंट्स इसमें आते हैं। ऑल्सो ये देखने में बहुत सुंदर है, इसकी फिनिश बहुत स्मूथ है और लकड़ी का बना है, तो बहुत ही क्लासी भी लगता है। इसका जो हाइट है वो आप एडजस्ट कर सकते हो आपके बच्चे की प्रेफरेंस के हिसाब से। ऑल्सो इसमें आते हैं, एक तो ये फोल्डेबल लेग्स है, दूसरा साइड में मिनी टेबल भी होता है फॉर एक्सटर्नल माउस वगैरह रखने के लिए, या आपके बच्चों का कोई स्टेशनरी वगैरह है वो भी आप रख सकते हो। और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो ना, एज सच डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है ये, बट अगर आप लैपटॉप के लिए इस टेबल का इस्तेमाल करते हो, तो जो फ़ैन वगैरह होता है ना, उसका जो हीट है वो एस्केप करने के लिए ये काम आता है। इट ऑल्सो कम्स विद कप होल्डर। और ये वुडन लैपटॉप टेबल बना है 100% नेचुरल बैम्बू मटेरियल से, मुझे बहुत पसंद आया। और इंस्टेंटली इसका असर आप देख सकते हो पोस्चर पे, सानवी अभी काफ़ी स्ट्रेट बैठी हुई है। और ये जो प्रोडक्ट्स मैंने अभी आपको दिखाया ना, अगर इसमें से कोई भी आपको अच्छा लग रहा है, आप चाह रहे हो ख़रीदना, तो इनका लिंक है ना मैं रख दूंगी आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे माय स्टोर नाम का एक लिंक रहेगा, उस पर क्लिक करके आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो।
और आज मैं बनाने लगी हूँ गोभी का पराठा। जब भी आपको स्टफ्ड पराठा बनाना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले आटा लगा के रख दीजिए। इससे आपके आटे को सेट होने के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा। जब भी आप कोई स्टफ्ड पराठा बना रहे हैं तो जो आटा आपको लगाना है वो एकदम ही सॉफ्ट लगाना चाहिए, जिससे जब उसके अंदर आप स्टफिंग भर दें तो उसे फैलाने में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर मैंने नॉर्मल सादा चपाती वाला जो आटा होता है, गेहूँ का आटा, वो ले लिया है और इसके अंदर डाला है थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से नमक, और इसे सादा पानी से मैं गूंद रही हूँ। आपको अगर पसंद आता है तो आप इसमें थोड़ी अजवाइन डाल सकते हैं, और चाहें तो इसमें थोड़ा बेसन का आटा भी मिला सकते हो। ये तो वेरिएशंस हैं, आपको जैसा पसंद आता है आप थोड़ा बहुत हिट एंड ट्राई तो कर ही सकते हैं। मैं नॉर्मली जिस तरह घरों में बनाया जाता है पराठा, उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो आटे में नमक डाल के इसको एकदम ही सॉफ्ट गूंद लीजिए, बिल्कुल ही बढ़िया सॉफ्ट टू टच प्लायबल डो तैयार कर लीजिए। ये देखिए डो हो गया है तैयार, अच्छा खासा सॉफ्ट मैंने आटा लगाया है। और अब इस डो को रख देंगे साइड में, जो स्टफिंग है ना उसकी तैयारी शुरू करेंगे, और इतने में ये डो रेस्ट होके और भी बहुत अच्छा बन जाएगा। आटा बनाने में एज इन आपको पराठा बनाने में सहूलियत होगी। यह है गोभी, इसको मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है, और इसके बाद गर्म पानी से, मतलब जो लूक वार्म वाटर होता है ना, उससे इसको धो लिया है और फिर ड्राई कर लिया है। और इसके बाद इसको कद्दूकस करना है, ग्रेट करना है। गोभी के पराठे गोभी को ग्रेट करके बनाए जाते हैं। आप ये देखिए ऐसे पार्टिकल हमको चाहिए, बहुत फाइन ग्रेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सारी गोभी को ग्रेट कर लीजिए, और गोभी के जो आजू बाजू के हिस्से होते हैं ना, जैसे कि उसकी स्टेम वगैरह हो गई, अगर टेंडर है तो उसे भी ग्रेट कर लीजिए। ये हो गई है गोभी ग्रेट करके तैयार, और अभी हम इस गोभी को प्रोसेस करेंगे। तो एक कढ़ाई ले लिया है मैंने, बस एक चम्मच इसके अंदर तेल डाला है। तेल ज़रा सा गर्म हो जाएगा तो ये हैं 3 मीडियम साइज़ के अनियंस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब फ्लेम आपको बिल्कुल फुल रखना है, आपका पैन अच्छा हॉट होना चाहिए, आपका तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। इसके बाद आप डाल दीजिए अनियन, 1-1.5 मिनट उसे पकाइए, और उसके बाद ग्रेट किया हुआ गोभी भी इसके अंदर ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो गोभी के अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो क्लासिकली निचोड़ कर रिमूव किया जाता है, बट एक तरीका ये भी होता है कि आप उसको सुखा दीजिए भून भून कर। तो आज मैं वही तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है। आप इस तरह पराठे बनाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैंने फुल फ्लेम पे इसको भूना है, कुछ भी नहीं डाला, नमक भी नहीं डाला, बस मैं भून रही हूँ जब तक इस पर इस तरह लाल लाल कलर आए। इसका बहुत सारा पानी इस स्टेज तक उड़ जाएगा, और जो गोभी है आपकी वो काफ़ी हद तक पक भी चुकी होगी। नमक नहीं डालना है इसके अंदर, इनफैक्ट कुछ भी नहीं डाला मैंने, सिर्फ गोभी और जो आपका प्याज था उनको मिला के तब तक भून लिया जब तक गोभी पे थोड़ा लाल कलर आया है। गैस कर दिया है बंद, पैन थोड़ा सा गर्म ही है अभी, तो इसमें ही मैं थोड़ा सा पहले गोभी को स्टर दे दूंगी, और फिर इस तरह से फैला के रख दूंगी, जिससे जो गोभी है उसमें से कोई भाप वगैरह निकल रही है ना, तो वो भी गर्म पैन की वजह से जल जाए। इवेंचुअली हमको चाहिए बिल्कुल ही ड्राई गोभी, जिसको स्टफ़ करना आसान रहेगा। मैंने इसे 10-15 मिनट रेस्ट पर रखा था, तो अच्छा खासा मेरा जो गोभी है वो ड्राई भी हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। अभी जो ठंडी गोभी है इसको मैं एक थाली में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसके अंदर डालिए कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें, दोनों मस्ट है, ज़रूर डालिएगा, इन्हीं से स्टफ्ड पराठे का मज़ा आता है। भुना जीरा का पाउडर, थोड़ा सा हींग का पाउडर भी ऐड किया है मैंने। इसके बाद ये है गरम मसाला, गोभी में गरम मसाला बहुत अच्छा लगता है। आमचूर का पाउडर, और ये मस्ट है, ज़रूर डालिएगा। धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, और स्वाद के हिसाब से नमक। आप अगर चाहें तो थोड़ा जीरा और अजवाइन वगैरह यहाँ डाल सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। आप चाहें तो थोड़ा सा जो अदरक होता है ना उसे भी ग्रेट करके डाल सकते हो, बट मैं बस इतनी ही चीज़ों के साथ बना रही हूँ। और देखिए मैं किस तरह ये सारी चीज़ें मिला रही हूँ। जैसे हम आलू को हाथों से थोड़ा मैश कर करके मिलाते हैं, वैसे नहीं करना है, एकदम ही जेंटल हाथों से गोभी को इस तरह आपस में रोल करते हुए सारे जो इन्ग्रीडियंट्स मिलाए हैं आपने, वो सबको एक दूसरे के साथ अच्छे तरह मिला लीजिए। इसको बहुत प्रेस नहीं करना है, क्योंकि जो आपकी गोभी है उसका दिक्कत ये है कि वो पानी छोड़ देती है। देखिए कितनी ड्राई स्टफिंग हो गई है तैयार, बनाएंगे पराठा। ये ले लिया है मैंने गूंदे हुए आटे का एक पोर्शन, और आप देखिएगा कितना बड़ा मैंने आटे का पोर्शन लिया है। एक अच्छा पराठा, कम आटा ज़्यादा स्टफिंग रहता है, बट आपके घर के हिसाब से देख सकते हो। इसको एक छोटी रोटी जैसा बना लीजिए, और इसके बाद इसके अंदर जितना आपने आटा लिया था ना उससे ज़्यादा
इफ़ पॉसिबल तो उससे ज़्यादा स्टफिंग भर लीजिएगा। अच्छी तरह इस तरह लॉक कर लीजिए और इसके बाद फिर आप इसको फैला लीजिए। कुछ लोगों को इस स्टेज पे बड़ी दिक्कत महसूस होती है, लाइक रोटी के अंदर स्टफिंग भर के इस तरह का बॉल तो बना लिया जाता है, बट इससे पराठा बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। टिप दे रही हूँ आपको, इसको सूखे आटे में डस्ट करें और इस तरह हाथों से फैलाना शुरू करें जिस तरह ढाबे वाले करते हैं। बेलन मत चलाइएगा इस पर, बेलन चलाने से है ना फिर प्रेशर जो आता है उससे आपकी जो गोभी है उसका पानी छूटने लगता है और फिर उस पानी की वजह से दोनों आटे की जो परतें होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं और फिर पराठा फटने लगता है बेलन पे और चकले पे चिपकने लगता है। तो इसलिए आप ये वाला तरीका आजमाइएगा, थोड़ा थोड़ा इसको डस्ट करने के बाद हाथों से ही फैला लीजिए और बाद में इसको एक ईवन लुक देने के लिए हल्के हाथों से इसके ऊपर बेलन चला दीजिए। और ये देखिए पराठा हो गया है तैयार। कहीं कहीं से पराठा फट भी गया है, इसका भी एक बहुत अच्छा इलाज मैं आपको बताऊंगी। ये जहाँ जहाँ आपका आटा फट गया है ना इसके ऊपर सूखा हुआ आटा डस्ट कर दीजिए। जितनी भी जगह फट गया है सिर्फ वहीं वहीं सूखा आटा डालकर इसको हल्के हाथ से इस तरह रब कर लीजिए और एक्स्ट्रा आटा झाड़ लीजिए। इस तरह से क्या होगा, ये जो सूखा आटा है ना वो जहाँ से आपका पराठा फट चुका है वहाँ से जो सब्ज़ी दिख रही है उस सब्ज़ी के मॉइस्चर के साथ मिलकर एक परत बना देगा। तो अभी आपका जो पराठा है ये चिपकेगा नहीं, ना चकले के ऊपर ना तवे के ऊपर। पराठा हो चुका है तैयार, ये अभी जाएगा सिकने के लिए तवा के ऊपर और आप इसे सेक सकते हैं घी बटर या ऑयल का इस्तेमाल करके। दोनों तरफ से थोड़ा पहले कच्चा कच्चा सेक लीजिए, फिर लगाइए आपका फैट और इसके बाद दोनों तरफ से इसे मीडियम फ्लेम पे लाल लाल सेक लीजिए। जितना क्रिस्पी हो उतना बेहतर स्टफ्ड पराठा बनता है और इसे देखकर तो मुझे वापस मेरे मुंह में पानी आ गया, ये इतना यम्मी बना था। आप ट्राई तो दीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और बस एक एक करके मैं सारे पराठों को लाल लाल सेक लूँगी और ये पराठे गर्मा गर्म विद चाय, विद अचार, विद चटनी और विद रायता इतने माइंड ब्लोइंग लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार। सीजन की गोभी आ चुकी है, एकदम ही टेंडर एंड स्वीट। एक बार ज़रूर ट्राई दीजिएगा मेरी तरह से पराठे को, आपको पसंद आएगी रेसिपी। मैं आपको एक बार खोल के भी दिखा देती हूँ। देखिए ऊपर से तो क्रिस्पी लग रहा है ना, अंदर से स्टफिंग आपको दिखा दूँ मैं। तो पहले तो आप परत देखें कितनी पतली आटे की परत है और कितनी ज़्यादा स्टफिंग है और कॉर्नर्स तक स्टफिंग पहुँची हुई है। गिव दिस रेसिपी अ ट्राई, आई एम वेरी श्योर आपको ये पसंद आने वाली है। और तीनों लोग लगे हुए हैं काम पे। शर्मा जी व्हाट्सअप कैसा मुंह बनाया, ओह माय गॉड अच्छा था दोस्तों, तुम्हारा चेहरा देख के कोई बता देगा दैट कि तुमसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। तो है एक्चुअली डिशवॉशर के बर्तन हो चुके हैं साफ तो ये लोग लगा रहे हैं, मैंने किया है किचन साफ। तो ये हमारा ट्रेड हुआ था कि ये तीनों बर्तन लगा देंगे और मैं किचन साफ कर दूंगी। खुशी भी कॉन्ट्री कर दी है। ओले ओले इसका भी मुंह उतरा हुआ है, किसी का काम करने का मन नहीं करता। नहीं यार ऐसा नहीं है, ये आपस में एक दूसरे को चिढ़ा रही थी दोनों, और सानवी इसको बहुत चिढ़ाती है फिर ये लड़ने लगती है दोनों। हाँ पता नहीं क्यों इतना लड़ती है, पता नहीं यार दो बहनों भाई में झगड़े क्यों होते हैं नहीं समझ नहीं आता। सिब्लिंग्स में तो होते ही हैं। हाँ बेटा ये साफ, खुशी है ना एक एक बर्तन चेक करके ला रही है, वो एक एक बर्तन मेरे को दिखा रही है कि मम्मा ये साफ है तो रखेंगे नहीं तो ये वापस धुलने में जाएगा। मेरे को खुशी सैड लग रही है, व्हाई यू आर सैड खुशी? साइमन मुझे पहले मारा फिर भाग के अंदर बेडरूम में चली गई जब मैं उसे मारने गई, पापा के पीछे आके खड़ी हो गई जिससे मैं से मारो ना क्योंकि पापा डांट देंगे, फिर मैंने से मारा तो फिर पापा ने मुझे डांटा इसे नहीं। अच्छा जो दिखता है वही फिटता है सागर, वो दिख गई तो उसको ही तूने डांट दिया। यार यही होता है पता है, पर सामने ना बहुत चिढ़ाती है। ये जो कंटेनर शर्मा जी के हाथ में है ना ये मुझे फ्री मिला था है शर्मा जी। हाँ फ्री का माल लग ही रहा है, है ना बेकार है, बेकार है ना, वो क्लिप एंड क्लिप जैसा बनाने की। और वो गार्ड देते समय ऐसा एटीट्यूड मार रहा था ना, हमने थोड़ी ना मांगे थे उससे, भाई फ्री दे दे तू हमें। नहीं
ऐसा नहीं बेटा, इसको इधर रख दो इधर। नहीं वो ऐसा एहसान से तोड़ रहा था जैसे उसकी जेब से जा रहा हूँ। तो वो तो बिल हो जाता ना एक पर्टिकुलर लिमिट तक, तब दे देते हैं ये लोग। पर फिर भी यार हमने पड़ी ना मांगा था उससे, भाई तो हमें फ्री का ये दे दो। इतनी मेहनत लग रही है यार इसमें। हाँ एक ये वाला लग रहा है, डब्बा टूट जाएगा मेरे से। अरे गलत वाले में तो नहीं फंसा रहे, ऐसा तो नहीं हो रहा। हाँ मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं ये गलत है, सही है यार। इतने अच्छे पराठे खिलाए तुम्हें, उसके बाद थोड़ा सा हेल्प कर रहे हो और चिढ़ रहे हो। इतने अच्छे बहुत अच्छे थे, नहीं सीरियसली अच्छे थे। अब तुमने ऐसा कह दिया, नो वन वुड बिलीव कि अच्छे थे। जो अच्छे थे बना लेना, जिसको लगे ना डाउट वो बना लेना और फिर बोलना। कितने लोग आके बोलते हैं यार कि दी हमने आपकी वाली रेसिपी ट्राई करी, इट वाज अमेजिंग, इट वाज ऑसम। और फिर एक दो लोग ऐसे भी होते हैं जो पता नहीं कौन से प्लैनेट्स आते हैं दे। नहीं 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 उस बारे में नहीं बात, नहीं मैं तो बात ही नहीं करता। चलो बट ऐसे आ जाते ना, वो मुझे उनके फिर दिमाग पे ये आते हैं कि पूरी वीडियो में इनको और कुछ नहीं दिखा, सिर्फ यही दिखा। यार कांट डू एनीथिंग अबाउट सच, इट्स ओके जाने दो। कितना अच्छा काम किया है तुमने, मेरा इतना काम सीधा कर दिया। मैं खड़े होकर बातें कर रही हूँ तुमसे। चलो गुड नाइट करें। चलो भाई ये दोनों अंदर चली गई और अंदर लड़ रही हैं। क्या किया? मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैं साइड से आगे और डर गई, और मैं बेड भी, और मेरा हाथ भी बेड में लग गया। बुला रहे थे। हाँ ये सब लोग भाई ये ला के रख लो। अच्छा हाँ ये है श्री तुलसी, अमेजोन पे मिल जाएगा बहुत आराम से। आप ये मंगा लो, इसमें 5 तरीके की तुलसी का वो होता है सत्व। सत बोलते हैं ना उसको, सत सत यानी ड्रॉप्स में होता अर्क, है हाँ। और 1 से 2 ड्रॉप। और ये आप बच्चे को भी पिला सकते हो, बच्चे मतलब कि 8 साल से, जैसे 8-9 साल के बच्चे जो है ना, बहुत छोटे बच्चे नहीं। हाँ बहुत छोटे बच्चे नहीं, लेकिन 6-7 साल नहीं, 8-9 साल के बच्चे को पिला सकते हो 1 ड्रॉप बस। इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता पहले से ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। Okay. ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। अब 2 बच्चे हैं ना, दोनों के हिसाब से डाल दूंगा, कि बच्चे बड़े हैं 10 साल और 12 साल के ना, तो 1-2 बस। अब इसको आप थोड़ा सा घुमा लीजिए, क्योंकि तो अगर ये नीचे रहेगा ना तो नीचे नीचे ही कड़वा कड़वा लगेगा फिर। शान भी खुशी इधर आ। आधा पी ले जल्दी, फिर खुशी की चांस है। सबके बड़े बच्चे ऐसे होते हैं क्या? ये तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलो पी के बताओ। हाँ मुझे पता है, मैंने बोल दिया पहले कि टेस्ट अच्छा नहीं होता इसका। जल्दी खत्म कर दो जल्दी से। हाँ मुंह तो दिखा, तो लग रहा उल्टी कर देगी। अरे सोना तो पड़ेगा ना। एक्चुअली ये लोग के लिए ना एक कंबल छोटा पड़ता था, क्योंकि ये लोग फैल फैल के सोते हैं, सीधे सीधे नहीं सोते, तो मैंने कंफर्टर मंगा दिया। और ये है ना बहुत बड़ा है, लाइक बेडशीट से भी ज्यादा बड़ा है, तो मेरे को थोड़ा सा अभी सुकून हो जाएगा कि दोनों आराम से ढक कर लेटेंगे। बाबू स्वेटर उतार के सोना। हाँ जी तुम्हारी बारी। चलो व्लॉग एंड करें। हाँ तो मैं पहले पिला दूँ फिर। हाँ मैं पी लूंगी ऑब्वियसली, बचने के लिए नहीं कह रही हूँ। तुम भी पियो। एक्सप्रेशन नहीं, मुझे तो पसंद है ये। वेरी नाइस बेटा, इसे फोल्ड करके रख दो। हाँ और जब क्लास होगी तो यूज करना, अच्छे से यूज करोगे तो एक दूसरा भी मंगा दूंगी, अभी तो ये टेस्टर के हिसाब से। ओके चलो तो से गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय।